नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस। और आज हम हैं ब्रह्मपुर हॉर्स फेयर में। आप सभी को ये जानकारी होगी कि मेला इस वर्ष एक नए जगह पर लगाया गया है, जो काफ़ी रोचक तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मार्कंडे सिंह जी, जिनकी देख रेख में और जिनके देख रेख में सारी व्यवस्थाएँ हैं, वो आज हमारे साथ हैं इस वीडियो में। आइए उनसे कुछ जानते हैं इस मेले की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बोलो। जी आपसे पूछना ये है कि इस ब्रह्मपुर मेले की, ये महादेव की धरती है, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये घोड़ों का बाजार, ये पशुओं का बाजार, इसकी शुरुआत कब से हुई और कितने वर्ष से ये मेला लग रहा है? शुरुआत तो इसका समझिए कि मुगल कालीन पीरियड से मेला लग रहा है, हम लोग उतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन कम से कम 1000 वर्ष तो होगा ही। और इसके बाद हम करीब करीब 55 वर्ष से इस मेले की देख रेख करते हैं। 55 साल से आप देख रेख कर रहे हैं। एक बार 2-3 साल मेला हमारा छूट भी गया है, जो कि इसमें मुखिया जी जो हैं लोग, इन लोगों का सरोकार नहीं रहा। फिर भी ये मेला अब पंचायत का हो गया है। इस मेले को डिस्टर्ब करते थे लोग, तो हम जाकर के हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जाकर के पंचायत का ऑर्डर कराए। पंचायत जिस क्षेत्र में मेला लगेगा वो पंचायत वसूल करेगा। अभी हर भर के लिए वो कानून बनवाए। तो इस समय हमारी पतोह मुखिया है और उसका हस्बैंड प्रतिनिधि है विद्या सिंह, वही देख रेख करता है, वही सब व्यवस्था करता है। फिर भी हमारी देख रेख के अनुसार ही उन लोगों को व्यवस्था करना पड़ता है, इसलिए कि वो लोग नए हैं तो नए के चलते अब पुराना आदमी को पंथ पुराने चावल का पड़ता है, तो वही हमारा देख रेख में हो रहा है। जो कि आप एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जो पीछे के वर्षों से मेला लगते हुए चलता आ रहा था, एक घोड़ेबाजी का पीछे का भी समय रहा, और आज जो वर्तमान स्थिति देखते हैं, क्या इसमें आपको कुछ बदलाव नजर आता है? हाँ, बदलाव यही है कि पहले यहाँ पर घोड़े का रेस उस नहीं होता था, लेकिन एक मुखिया जी थे अरक के, बिजराज सिंह अजय कुमार जी, ये सब लोग मिल करके हमसे कहे कि यहाँ पर घोड़े का रेस कराया जाए। तो ये करीब करीब 15-20 वर्ष हम करा रहे हैं। और यहाँ का रेस अपने टाइप का होता है, ईमानदारी का होता है। घोड़े में 5 व्यापारी, जिसका घोड़ा नहीं उतरता है वही पंच बनता है, वही घोड़े का डिसीजन देता है, और वही जो भी निर्णय होता है हम मानते हैं, उसके मुताबिक उसको 1st, 2nd, 3rd सीट देते हैं, कुछ स्पेशल प्राइज देते हैं आई घोड़े का। और ये है, नया जगह नहीं है, जगह पुराना ही है, लेकिन ब्रह्मपुर में ही है तो पंचायत के अंदर ही है। फिर भी यहाँ पर वहाँ ज़मीन की कमी हो गई थी और लड़कों की पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। हाई स्कूल का मैदान था, एक दो बार लड़कों का एक्सीडेंट हो गया था, तो हुआ कि इसको अलग लेकर के चला जाए। तो ये जय कुमार बबुआ, आप जैसे दूसरे के जो बताया कि यहीं पर ले चला जाए, तो इस साल इन लोगों के सहयोग से यहीं लगा है। आज जो व्यवस्था में कमी है, वो आप लोग तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन हमको अभी संतुष्टि नहीं है, उतना बढ़िया है, लेकिन हो जाएगा 1-2 साल में। नहीं, मेला अच्छा लगा है। एक चीज़ और आपसे हम पूछ जानना चाहेंगे, इसी ब्रह्मपुर हॉर्स फेयर को हम यहाँ की जो रेस होती थी इसको हाई कोर्ट के नाम से जानते थे, लेकिन बीच में इसकी कुछ छवि जरूर बिगड़ गई, इस चीज़ को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, इसलिए उस पीरियड में हम नहीं थे, इसीलिए यहाँ की छवि बिगड़ी, लेकिन इस साल छवि नहीं बिगड़ेगी। हर साल से मेला बढ़िया लगा है इस साल, तो उम्मीद है कि इस बार एक अच्छी रेस देखने के लिए मिलेगी। मिलेगी, बहुत बढ़िया से विश्वसनीय है। अब विश्वास कीजिए कि यहाँ हाई कोर्ट नहीं, अब की पर सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन होगा। चलिए, बहुत 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 बधाई आपको। और अब जैसा मेला लगा है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें दिख रही हैं, और 2-4 दिन में हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ जय कुमार सिंह जी भी आरा से मौजूद है, और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इस बार क्या मेले में बदलाव हुए, और रेस की जो तारीख है वो आप लोग कब निर्धारित कर रहे हैं कि फाइनल रेस की डेट कब रखी जाएगी? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। आप बताएं कि इस बार मेले में किस प्रकार से आपने व्यवस्थाएं की, या जो दूर दूर से यहाँ पे लोग पहुंचे तो उन तक ये सूचनाएं कैसे दी आपने? मोबाइल का युग है, मोबाइल से हम लोग सबको सूचना दी है। और इस बार जो रेस की डेट है, ब्रह्मपुर की रेस की डेट, मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि कंफर्मेशन में बहुत लेट की जाती है। सारे घोड़ेबाजों का ये एक शिकायत है, इसे आप जिस रूप में भी लें, लेकिन हम चाहेंगे कि एक इसकी कंफर्म डेट निर्धारित की जाए पहले ही, कि शिवरात्रि के इतने दिन बाद ये रेस कराई जाएगी। आप जितने दिन, 10 दिन बाद रखें, 8 दिन बाद रखें, कोई भी एक डेट में बात ये होती है ना कि हमारे जितने व्यापारी हैं बाहर के, वो अपने छोटे छोटे बछड़े लेकर आते हैं, कोई 50 लाया है, कोई 100 लाया है, कोई 200 लाया है, तो वो लोग चाहते हैं कि जितना लेट हो तो हमारी कुछ बिक्री हो जाएगी। रेस के बाद मेला उखड़ जाता है, तो उन लोगों से भी कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि 25-26 को लोग रेस कराएंगे। लगभग क्या उम्मीद है, इस बार किस तारीख को ये रेस निर्धारित की जाएगी? हम लोग बता देंगे शाम को। हाँ, शाम को व्यापारी से निर्णय लेके हम लोग बताएंगे। और 25 को हो या 26 को हो, लगभग ये ग्राउंड जो आप लोगों ने इस बार तैयार किया है काफी खूबसूरत है और काफी बड़ा भी है, और बहुत सारे यहाँ घोड़े जुटे हैं एक से एक। लगभग डिस्टेंस क्या रहेगी इस बार एक चक्कर की? अभी तो नापे हम लोग नहीं है, फिर भी लगता है 400 या 500 मीटर पूरे कर जाएगी। जी, मुखिया जी क्या लगता है आपको?
हम तो लग रहा है 500 मीटर पूरा कर जाएगी, और इस मेला से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जितने हमारे साथी घोड़े वाले हैं, सवार हैं और दर्शक हैं, इस मेला से इतना खुश हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। हम और आप सभी जो भी हॉर्स के ओनर हैं, इस बार सबको हम आपके सामने लाएंगे, और लेकिन आपको उम्मीद है कि इस बार 25, 26 या 27 तक रेस की डेट निर्धारित कर दी जाएगी? 25, 26 लास्ट डेट है, हो सकता है 26 तारीख को, 25 या 26 को ये डेट निर्धारित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपका मेला इसी तरह रौनक खिलता रहा है, और ये महादेव की धरती इसी तरह घोड़ेबाजों को नया नया रूप देती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई इंडियन चैनल के लिए।